दोस्तों, ये SLC है, यानी ये पूरे हमारे फ्लोर में पूरा घूम राउंड मार करके ये हमारा आया है यहाँ रिटर्न। फिर ये इन है, ये इन है, ये आउट, दोनों केबल केबल मतलब वायर होकर के ये रिटर्न इन आउट हुआ है। ये लूप कार्ड है, ये सारे आपको लूप कार्ड है, ये जितने सारे आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे लूप कार्ड है। इसमें दो लूप कार्ड है, एक LEM है, एक LCM है। LEM और LCM ये दोनों मिल करके एक पेयर बनाता है, यानी जो लूप होता है शेयर 1 2 करके पेयर बनता है ये। अब LEM और LCM को कैसे पहचानेंगे? तो LCM का पहचान है, ये जो बटन है ना, ये रोटरी बटन, ये घूमता है ये बटन। जैसे थोड़ा नज़दीक नज़दीक लाओ, देखोगे आपको देखने को मिलेगा, ये जो बटन है ना, ये जैसे यहाँ 1 2 है, यहाँ इस तरह से 3 4 है, ये 5 6 है, यानी 1 2 कन मिल करके एक पेयर बना है। तो इसका ये दूसरे नंबर पे है, इसके पीछे LEM है, इधर है, यहाँ दो दो आया है, ऊपर ले जाओ, दो कार्ड है इसके साथ, दो कार्ड है, एक ऊपर दिख रहा है आपको और एक नीचे है, ये दो कार्ड मिलके बना है एक पेयर। तो एक LEM है इसमें, एक LCM है। इसी तरह ये हमारा पैनल 7 लूप का ये पैनल बन गया है। 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 लूप का ये हमारा नोटिफायर का पैनल है, इसको लूप कार्ड बोलते हैं, LEM और LCM। और ये मेरा ये AMPS है, यानी हमारा जो सप्लाई है सबसे पहले इसी में आता है, फिर यहाँ से सप्लाई हमारे पैनल में जाता है, जिसको CPU कहते हैं, यहाँ पहुँच जाता है सप्लाई, और यहीं पे ये डिस्प्ले होता है, मेन पैनल यही है। फिर जब अलार्म होती है तो अलार्म को वोल्टेज सप्लाई दिया जाता है, जो DC वोल्टेज होता है वो सप्लाई दिया जाता है इससे, क्योंकि ये AC से DC बनाता है। क्योंकि हमारा जो हूटर होता है ना, उसको 24 वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज नहीं चाहिए होता है, नहीं तो वो उसमें फॉल्ट आना शुरू हो जाएगा। और ये इसका बैटरी है, इस पैनल का जो बैकअप, यानी सप्लाई जब चले जाती है, पावर कट हो जाता है, तो इसी दो बैटरी से हमारा पैनल को पावर मिलता है। ये 12 वोल्ट की बैटरी है, तो ये दोनों एक पैनल को रन करने के लिए 24 वोल्ट की दो 24 वोल्ट पावर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये दोनों बैटरी मिल करके हमें 24 वोल्ट दे देता है पैनल को, जिससे हमारा SLC में सप्लाई जाते रहता है और हमें अलार्म मिलते रहता है। अब आपको पूरा पैनल दिखा रहा हूँ मैं, ये देखिए पूरा पैनल।